हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी मैं जस्ट खाना खा के उठा हूँ और टहल के आया हूँ, तो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। रात के बज रहे हैं 10:15, कुवैत में, इंडिया में बज रहे होंगे 12:30 या 1:15। आज का वीडियो ये होने वाला है वीजा से रिलेटेड। जो लोग वीजा इंडिया से मांग रहे हैं, वो ड्राइविंग जॉब का हो या फिर किसी भी जॉब का हो, और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट करके मांग रहे हैं वीजा, तो उनके लिए वीडियो होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, और थोड़ा सा आप लोग जो है वीडियो जो है देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। थोड़ा सा हमारी फैमिली जो है 800 से ऊपर हो गई यूट्यूब फैमिली, और आप लोगों का सपोर्ट थोड़ा सा और रहा तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है कि 1000 से ऊपर हो जाएगी। आप लोगों का बस सपोर्ट की जरूरत है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं और बात करते हैं कि देखिए, इतने लोग वीजा के लिए बोल रहे हैं कि भाई मेरे को वीजा दिला दो। उसमें से जो है कि 90% तो नए लोग हैं और कुछ लोग पुराने हैं जो कि सऊदी रिटर्न है, कतर रिटर्न है, कहाँ कहाँ के रिटर्न है। तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्या हो रहा है, वो सारी बातें हम करने वाले हैं। पहला सबसे बड़ा दिक्कत कि देखिए, वीजा लोग सब लोग मांग रहे हैं, किसी का एज नहीं पूरा हुआ है, तो किसी के पास PCC नहीं है। अगर जो आप मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने लोगों का जो है वीजा इंडिया में पहुंचा, उनको वीजा मिला हाथ में, वीजा खराब हो गया। पता है क्यों? PCC से रिलेटेड, क्योंकि PCC उनका नहीं बन पाया। अभी भी आप आज के डेट में आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको PCC मिलेगा 12 जनवरी के बाद। मैं यूपी के बात कर रहा हूँ, और तो मैंने चेक नहीं किया है, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। यूपी के कितना हूँ, 5-6 जो है सेंटर है पासपोर्ट ऑफिस। आप किसी भी बनारस, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, देवरिया, कहीं भी आप चेक करेंगे तो आपको 12 जनवरी के बाद मिल रहा है। तो मैं जितने भी लोग वीजा मांग रहे हैं, सबसे पहले उनसे ये बोलूंगा कि भाई आप लोग PCC करा के रेडी रखो। PCC देखिए 3 महीने का टाइम होता है, पहले 6 महीना था। अभी आपने वीडियो देखा होगा, मैंने कल डाला था, तो जब मैंने PCC करवाया था आज के 6 महीने पहले जब मैं आया था, उस समय एजेंट ने बताया था मेरे को कि 6 महीना डेट होता है, और मैंने भी चेक नहीं किया था। उसके बाद में आ गया और मैं तो चला आया, लेकिन कल मेरे को पता चला कि इसका टाइमिंग सिर्फ 3 महीने होता है। पता नहीं पहले 6 महीने था नहीं था, मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल 3 महीने है। तो 3 महीने हो गया है, और ऊपर से आपको बनवाना भी तो 3 महीना उसके लिए चाहिए, यानी 3 महीने में आपका PCC नॉर्मल बनेगा। आपको अगर जल्दी चाहिए तो 10,000, 15,000, 20,000 लोग खर्चा कर रहे हैं जिसका वीजा डेट एक्सपायरी हो रहा है। तो आप नुकसान ना सहें, इससे अच्छा है कि आपको वीजा मिलने से पहले सबसे पहले आप PCC कराएं। PCC आपका जो है कि डेट मिल जा रहा है, डेट मिलने के बाद आपका जो पुलिस से, थाने से इंक्वायरी आ रही है, उसके बाद आप हमको मैसेज कर सकते हैं कि भाई हमारा सब कुछ हो गया, अब सिर्फ जो है इंक्वायरी वगैरह हो गई है, अब PCC आने वाले हफ्ते 10 दिन में आ जाएगी, तब तो काम बनेगा। आप लोग बस बोल रहे हैं भाई हमको वीजा दिला दो, हम PCC करवा लेंगे, तो भाई ऐसे काम नहीं होगा। आप लोग पहले PCC करवा लो, फिर उसके बाद वीजे के लिए बोलो। हाँ, दूसरी चीज भाई, लोग जो लोग कंपनी का वीजा मांग रहे हैं, बहुत सारे लोग ये पोकलेन और JCB क्या क्या बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो भाई देखिए, मैं एक फैमिली ड्राइवर वीजा काम करता हूँ, इनका गाड़ी चलाता हूँ, इनको ले जाता हूँ इधर से उधर, और फैमिली जॉब में हूँ, तो मेरे पास जो वीजा आता है ज्यादातर 90% ड्राइवर से रिलेटेड आता है, नया ड्राइवर या पुराने ड्राइवर। मेरे पास जो है ये कंपनी का वीजा नहीं आता है। कंपनी का वीजा जो है आपको ऑफिस से मिलेगा, और ऑफिस में वीजा कब जाता है ये किसी को पता नहीं होता है, कौन से ऑफिस में जाता है ये भी किसी को नहीं पता। हाँ, जो उसमें काम करता है, जो सुपरवाइजर है, मैनेजर है, उसको शायद पता होता है कि कौन से। और आपको बता दूं, जितनी भी कंपनियां हैं, सबसे बेस्ट जो वीजा होता है अच्छा वो केरला, तमिलनाडु, मुंबई, इस जगह पे चला जाता है। लास्ट में जो है वही हेल्पर वाला और थर्ड ग्रेड वाला जो है यूपी में आता है। तो वीजा की बात अलग करेंगे, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि आपको वीजा चाहिए, ड्राइविंग जॉब का वीजा चाहिए, तो आप PCC करवा लीजिए, नॉर्मल PCC करवा लीजिए। उसमें आपको पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल करवाइए, 500 से 1000 रुपये लगेगा। आपका जब PCC बन जाए, बनने वाला हो या फिर आने वाला हो हफ्ते दिन में, तब मेरे को मैसेज करिए। और एक चीज और सबसे बड़ी बात कि देखिए, जिसके पास PCC है या फिर लाइसेंस है, वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, जो रिटर्नर है उनकी बात कर रहा हूँ। भाई देखिए, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं एक पैसा किसी से लेता हूँ। मेरे को कोई वीजा देता है, वही चीज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को बता देता हूँ, इंस्टाग्राम पे अपडेट कर देता हूँ, भाई ये वीजा है, ये ऐसा है, इसमें इतना सैलरी है और ये काम है और इतना खर्चा आएगा। तो लोग क्या बोलते हैं, भाई मेरे को आप वीजा ढूंढ के दिलाओ। भाई मेरा काम जो है पहले है, मैं काम करता हूँ, अगर जो काम के दौरान कोई कुवैती आके वीजा दे दिया तो ठीक है, मैं किसी को दे दूंगा। मांगने वाले इतने एक आदमी को, मुझे मान लीजिए
अब मेरे जानने वाले जितने कुवैत के लोग हैं, मेरे कपिल है, उसके भाई हुई है, उनमें से एक दो है जिनके पास वीजे की जरूरत, ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, तो मेरे को बोलेंगे तो मैं एक ही दो लोगों को दे पाऊंगा ना, किसको किसको दूंगा। तो ये मैं बोल रहा हूँ, मैं दूसरे से मांग के ही आपको दे पाऊंगा। ऐसा तो नहीं है कि मेरा, मैं एजेंट हूँ या फिर मेरा ऑफिस है ट्रेवल एजेंसी का, लोग यहाँ कुवैती मेरे पास जाएंगे कि मेरे को वीजा ले लो, ड्राइवर दे दो, ये दे दो। तो भाई मैं जॉब करता हूँ और जो वीजा मेरे को जॉब करने के दौरान मिलता है वही मैं दे पाता हूँ। दूसरे से मिलता है तो वो भाई जाहिर सी बात है पैसा लेंगे। देखिए आज के दौर में कोई बिना पैसे का काम नहीं कर रहा है। खुद मेरे पास प्रूफ पड़ा है, मैं खुद जो है 1,10,000 खर्चा करके आया हूँ। मैं रिटर्नर हूँ सऊदी से, फिर भी मैं करके आया हूँ। चलो वो तो गलती से हो गया, मेरा पासपोर्ट खराब हो गया था, पीसीसी नहीं हो पाया था, इसके वजह से ज्यादा लगा। फिर भी मेरा नॉर्मल जोड़ू टिकट का, पीसीसी का और स्टंपिंग का, ये सारा ऑफिस खर्चा जोड़ उड़ के मेरा 70,000 से ऊपर लगा था। तो बस यही अपडेट थी भाई। मैं सोचा एक छोटा वीडियो बना दूं कि आप लोग मैसेज करने से पहले पीसीसी सब लोग करवा लीजिए। देखिए 1,000 रुपया लगेगा उसमें पीसीसी होने में, ठीक है। अब वीजा भी ढूंढते रहिए कहीं और जो ऑफिस का मिल जाए। आप पीसीसी ऑनलाइन किए तो और अच्छी बात है, समझ रहे हैं। मान लीजिए आप पीसीसी ऑनलाइन कर दिए और वीजा आ गया आपका, तो अच्छी बात है। अब उस तरह सोचेंगे मेरा वीजा आएगा उसके बाद पीसीसी ऑनलाइन करेंगे तो उसमें दिक्कत है। ऑफिस का वीजा हो चाहे मेरे से हो चाहे किसी और से हो, तो आप सबसे पहले पीसीसी ऑनलाइन करिए भाई, उसके बाद मेरे को मैसेज करिए चाहे किसी को करिए। ओके, तो ये छोटा सा अपडेट था और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज। हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए, वीडियो कैसा लगा लाइक भी कर दीजिए। तो मैं भूल ही गया था आपसे बोलना।